परफेक्ट गार्डियन में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि सांप के केचुली उतारने से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। हिंदू धर्म में सांप को एक दैवीय प्राणी माना जाता है, यही कारण है कि सांप के कई प्राचीन मंदिर हमारे देश में मौजूद हैं। प्रतिवर्ष नाग पंचमी के अवसर पर सभी नाग मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, वहीं घर घर में नाग की पूजा की जाती है। सांप से जुड़ी कई किंवदंतियां भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। तो सदियों से सांप कई कारणों से मनुष्यों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सांप का केचली उतारना भी इन कारणों में से एक है। आज हम आपको बता रहे हैं कि सांप द्वारा केचली उतारने से कुछ रोचक और अनसुनी बातें। प्रत्येक रीढ़धारी प्राणियों में त्वचा के ऊपरी परत समय समय पर मृत हो जाती है तथा इनकी वृद्धि व विकास के साथ साथ इस मृत त्वचा का स्थान नई त्वचा ले लेती है। इसी प्रकार एक निश्चित समय अंतराल के बाद सांप भी अपनी बाहरी त्वचा की पूरी परत उतार देता है, इसे ही केचली उतारना कहते हैं। अभी धार्मिक कथाओं के अनुसार सांप का केचली उतारना दैवीय स्वरूप का सूचक होकर उसके रूप परिवर्तन कर लेने संबंधी क्रियाओं के एक आवश्यक अंग है। माना जाता है कि केचली उतारकर सांप की उम्र बढ़ जाती है और अमरता प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। एक है कि सांप की त्वचा स्वाभाविक रूप से सूखी और खुश्क होकर जलरोधी आवरण, मतलब वाटरप्रूफ, जलरोधी आवरण वाली होती है और उसकी प्रजाति के अनुसार चिकनी या खुरदरी हो सकती है। अपनी त्वचा में किसी प्रकार की खराबी या नुकसान एक सांप को जल्दी केचुली उतारने के लिए बाध्य करता है। केचुली उतारने से एक तो सांप के शरीर की सफाई हो जाती है, दूसरी ओर त्वचा में फैल रहे संक्रमण से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। फिर केचुली उतारने से करीब एक सप्ताह पहले से सांप सुस्त हो जाता है और किसी एकांत स्थान पर चला जाता है। इस समय लिम्फेटिक नामक द्रव्य के कारण सांप की आंखें दुधिया सफेद होकर अपारदर्शक हो जाती है। इस अवस्था में ये भोजन भी नहीं कर सकते। केचुली उतारने से 24 घंटा पहले सांप की आंखों पर जमा लिम्फेटिक द्रव अवशोषित हो जाता है और आंखें साफ होने से वह ठीक से देख पाता है। केचुली उतारने के बाद प्राप्त नई त्वचा चिकनी और चमकदार होती है, इसलिए इस समय सांप बहुत ही चुस्त और आकर्षक दिखाई पड़ता है। फिर सांप का केचुली उतारने का तरीका बहुत कष्टदायी होता है। सबसे पहले सांप अपने जबड़ों पर से केचुली उतारता है, क्योंकि यहाँ केचुली सबसे अधिक ढीली होती है। शुरुआत में सांप अपने जबड़ों को किसी खुरदरी सतह पर रगड़ता है ताकि उसमें चीर आ जाए। अलग हुए भाग को सांप पेड़ की टूट कांटों पत्थरों के बीच के खाली स्थान में फंसाता है और अपने बदन को सिकोड़कर धीरे धीरे खसकता है। अपनी पुरानी त्वचा को बदलते समय सांप बहुत ही बेचैन और परेशानी का अनुभव करता है। सांप द्वारा छोड़ी गई केचलू की सहायता से संबंधित सांप की पहचान की जा सकती है। यह सांप की हूबहू प्रति तो नहीं होती, लेकिन सांप की त्वचा पर पड़े शलकों की आकृति इनसे 100% मिलती है। कोई सांप अपने जीवन काल में कितनी बार केचली उतारेगा, इस सवाल का कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे सांप की उम्र सहित प्राकृतिक आवास, तापमान और आर्द्रता। सामान्यतः धामन सांप एक साल में 3-4 बार केचुली उतारता है, वहीं अजगर और माटी का सांप साल में एक ही बार केचुली उतारते हैं। केचुली पर सांप का रंग नहीं आ पाता, क्योंकि रंगों का निर्माण करने वाली पिगमेंट कोशिका सांप के साथ ही चली जाती है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।